आगे का कहना तो है ही नहीं। भारत का मानचित्र जैसा नदी है, अभी लोग का मतलब कि बाथरूम सेट होता है, ठीक पता चलेगा कहाँ हम छोटे मोबाइल से कभी शूट किया करते थे। सर मेरा सड़क अभी जो कि बन रहा है। हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं मिथुन कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल मिथुन कुमार पर्सनल ब्लॉग में। चलिए आज आपको लाए हैं अपने इधर घुमाने के लिए, अपना गाँव में, गाँव नहीं है अपना खेत के इधर नदी के किनारे में। देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हरियाली है इधर, सब पूरी जगह सारी जगह हरियाली हरियाली। इधर गेहूँ का खेत है यहाँ तक कि आप देख रहे हैं, और बहुत दूर तक गेहूँ का खेत है। और यहाँ पे एक नदी है जो कि सूख चुका है, और यहाँ पे लोग सब मछली मार रहा है। हम तो पीछे की कैमरा से मतलब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और आगे का कैमरा तो है ही नहीं, गजब बेइज्जती है। और यहाँ पे हम लोग का छठ घाट है, यहाँ पे हम लोग छठ पूजा मनाते हैं, शायद तीसरा वाला मेरा घाट है। और इधर बगल में आलू लगा हुआ है, और इधर भारत का मानचित्र जैसा नदी है, काफ़ी सुंदर नदी, हम लोग इसी में बचपन में नहाते थे। बांस का बगान है, और इन सब का उपयोग होता है कि घर घर बनाने के लिए, जो कि घर बनता है गाँव घर में, मतलब कि बांस का घर अगर हम लोग टट्टी का घर बोलते हैं इसको, और शहर वाला सब टट्टी टट्टी इसकी दूसरा चीज़ मान लेता है इसलिए हम लोग टट्टी का घर नहीं बोलेंगे, बांस का घर बोलेंगे तो बढ़िया रहेगा। ऐसे में पीछे पीछे तो नहीं चलूँगा इन सब में इधर लेटिंग जो होता है गांव घर का आदमी बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। ये सब इधर बाथरूम तो कोई बनाता नहीं है ये सब ना। और एक बात कि ये सब जो है कि हम लोगों का मतलब हम ही लोग का मतलब कि बाथरूम सेट होता है, ठीक है। और हम लोग जो सवेरे से आते एकदम मस्त बाथरूम है यहाँ पे, मतलब लेटिंग रूम की आता है सवेरे मस्त, इसलिए इधर पूरा इधर गंदा रहता है। अभी तो शायद साफ दिख रहा है, यहाँ पे चल सकते हैं। और इधर हम लोग जब खेलने के लिए आते थे, जैसे कि देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं तो ये सब कटिंग कटवाता नहीं हूँ, पहले कटवाया करता था। एक बार जब हमको झटका लगा था कि यार ऐसा बाल कटवाते हैं, फिर दिन दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं दिमाग खराब, तो इसलिए मैंने एक बार ही टकला हो गया था, ठीक है, कि अपने काम पर हम लोग फोकस्ड रहेंगे और आसानी से काम करेंगे, इधर उधर ध्यान ना भटकेंगे। तो फिर बाल आया है तो फिर मैंने कटाया, और इस वीडियो के बारे में सोचा है कि फिर बोलते हैं कि अपने चलते फिरते अपने हिस्ट्री डालें कि मैं कैसे एक गरीब घर से एक अमीर तक का सफ़र किया। वैसे तो हम लोग कभी विश्वास नहीं होता कि मतलब कि जमीन से आसमान तक की सफर, वैसे तो अगर उसका बैकग्राउंड में वीडियो रहता तो काफ़ी मज़ा आता। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बकरियाँ चल रही है, और इस पर ना हम लोग कभी कभी ऊपर से चढ़ के, ठीक है, इधर पूरा ऊपर से चढ़ के वहाँ से एकदम एक बांस छोड़ते थे, सीधा रॉकेट की तरह नीचे आते थे, बहुत मज़ा आता था। और इधर मेरा सड़क अभी जो कि बन रहा है, कभी मैं आपको ये सब भी सीन दिखाऊंगा। वैसे नीचे उतर के बहुत सा मतलब मस्त सरसों फुलाया हुआ है, दिखने में काफ़ी मस्त लगता है। और वीडियो में साफ एकदम अच्छा ही नहीं आ रहा है, मन तो करता है कि यार वैसे भी एनीवेज कोई तो देखने वाला है ही नहीं, अगर मैं डालूंगा मैं ही देखूंगा तो ऐसे और क्या कभी बड़ा मोबाइल होगा तो पता चलेगा कहाँ हम छोटे मोबाइल से कभी शूट किया करते थे। वैसे आज वीडियो बनाने का तो मन था ही नहीं, सोचे कैसे खोल लेते बना लेते कि कैसे आता है, वैसे तो हमको बोलने भी नहीं आता है।